हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस में खास क्या है, देखिए ये जो टेबल बनी हुई है ये आपको दिखाई पड़ी रही होगी, स्कूल टी के नाम से ये टेबल बनी हुई है। और इसमें देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स, एज, कंप्यूटर के मार्क्स, फिर इंग्लिश के मार्क्स, फिर फिजिक्स के मार्क्स, फिर केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के मार्क्स स्टोर कराए गए हैं और अलग अलग तीन स्टूडेंट के नाम लिखे हैं। ये प्रॉब्लम ये यहाँ पर श्याम नहीं लिखना था, लेकिन ये श्याम ऐड हो गया है। इसको एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से कैसे डिलीट करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम डिलीट नाम का स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो सीधा क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद कहाँ जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पर। तो ये क्वेरी डिजाइन पे आ गए और जैसे क्वेरी डिजाइन पे आता है तो यहाँ आपको दिखाई देगा एसक्यूएल, तो एसक्यूएल पे चले चलिए। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है आपको, डिलीट फ्रॉम स्कूल टी, यानी स्कूल टी वाले टेबल से ही हमें डिलीट करना है। जहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो, वहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट्स हमें चाहिए श्याम, एस एच वाई ए एम। चेक करते हैं कि स्पेलिंग कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्पेलिंग है ये कैपिटल से ही स्टार्ट हुआ है। अब इसको परफॉर्म करने की बारी है, इसको रन कराने की बारी है। यहाँ पर टर्मिनेशन आपको देना जरूरी है, टर्मिनेशन दे दीजिएगा। दे करके आपको इस जो टेबल ओपन है इसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर क्वेरी डिजाइन से जाकर के इसको रन कराना होगा। जैसे रन कराएंगे तो ये कह रहा है यू आर अबाउट टू डिलीट वन रो फ्रॉम स्पेसिफाइड टेबल, यानी कि टेबल से आप एक रो डिलीट करने वाले हैं और इसमें आपको अंडू कमांड यानी एक स्टेप बैक जाने का कमांड नहीं मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है वंस यू क्लिक यस यू कैन नॉट यूज अंडू कमांड टू रिवर्स द चेंजेस। Are you sure you want to delete the selected record? तो yes जैसे ही करेंगे तो selected record यानी कि name of student श्याम जो है ये delete हो जाएगा। तो एक बार चेक किया जाए delete करके, ठीक है कि delete हो रहा है या नहीं। तो yes करते हैं इसको, ठीक है तो यहां से करते हैं yes। तो ये yes किया हमने, हमारा operation perform हो गया। अब हमें ये देखने की जरूरत है कि हमने जो changes किए हैं वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर double click करना है आपको। ये जो table थी यहाँ पे देख सकते हैं श्याम इसमें से गायब है। पहले आपको श्याम दिखाई पड़ रहा था लेकिन अभी इसमें से श्याम गायब है। इसका मतलब कि वो ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर दिया और यहाँ पर डिलीट भी हो गया आपका रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से डिलीट स्टेटमेंट का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ अगर लाइव क्लास की डिमांड हो तो मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। पूरा का पूरा एक्सेस आपको लाइव क्लास में लेकर के समझा दूंगा, फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।